नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और राष्ट्रपति जो बाइडेन की बैठक के बाद भारत और अमेरिका ने तालिबान को कड़ा संदेश दिया है। भारत और अमेरिका ने साझा बयान में कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल किसी भी देश पर हमले के लिए न हो। भारत और अमेरिका ने अफगानिस्तान के नए शासकों से ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि युद्धग्रस्त देश की धरती का किसी भी अन्य देश को धमकाने या हमला करने या आतंकवादियों को पनाह या प्रशिक्षण देने के लिए फिर से इस्तेमाल ना हो सके। दोनों नेताओं ने कहा कि तालिबान को यूएनएससी के प्रस्ताव 2593 का पालन करना चाहिए, जिसमें कहा गया है कि अफगानी क्षेत्र का इस्तेमाल किसी देश को धमकाने या हमला करने, आतंकियों को प्रशिक्षण देने या शरण देने, आतंकी घटनाओं की योजना और वित्त पोषण के लिए दोबारा कभी नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही अफगानिस्तान में आतंकवाद से निपटने के महत्व पर जोर दिया गया। अमेरिका और भारत ने तालिबान से और अन्य प्रतिबद्धताओं को पालन करने के लिए कहा। साथ ही अफगानिस्तान से अफगानी नागरिकों और सभी विदेशी नागरिकों, सुरक्षित और व्यवस्थित वापसी और अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों, महिलाओं और बच्चों समेत सभी अफगानियों के मानवाधिकारों का सम्मान करने का आह्वान किया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।